हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है कि गैस्ट्रोस्कोपी कैसे करी जाती है। बाय द एंड आई होप आपको ये क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि अगर आपकी गैस्ट्रोस्कोपी होने वाली है तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप किसी जनरल सर्जन या किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलो, अपनी प्रॉब्लम बताओ एंड उसके बाद उनसे पूछो कि क्या आपको गैस्ट्रोस्कोपी की करवाने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं गैस्ट्रोस्कोपी करवाने के। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। जहां तक इन शॉर्ट मैं आपको बता सकता हूं कि गैस्ट्रोस्कोपी सीवियर एसिडिटी वाले पेशेंट्स को कराना ज़रूरी होता है। उसके बाद में अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनको कुछ खाने में गुटकने में तकलीफ होती है, बहुत समय से होती आ रही है, उनको कराना ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स को कराने की ज़रूरत नहीं है जिनको सिर्फ अपर पार्ट गले में प्रॉब्लम होती है, फेरेंजाइटिस जिसको कहते हैं, वो बीमारी है, खांसी जुखाम बुखार फीवर से रिलेटेड है, उनके लिए गैस्ट्रोस्कोपी उतनी ज़रूरी नहीं है। बट जिनको कि कंसिस्टेंटली खाने में तकलीफ है, पहले वो रोटी खा पाते थे, अब वो सिर्फ पानी पी पाते हैं, जूस पी पाते हैं, सॉलिड चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो उनके लिए गैस्ट्रोस्कोपी कराना ज़रूरी है। और भी इंडिकेशंस हैं, जैसे आपने कुछ फॉरेन बॉडी खा ली हो, कोई आपने कॉइन निकल लिया है, चाबी निकल ली है, वगैरह वगैरह। तो मैंने इंडिकेशंस के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो देख लीजिएगा। कभी कभी किसी किसी हॉस्पिटल में आपको गैस्ट्रोस्कोपी के पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए वो कह सकते हैं। ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, प्रोटोकॉल हर इंस्टीट्यूट की जगह की अलग होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग कराएं, बट ऐसा हो सकता है कि आपको आपके गैस्ट्रोस्कोपी के पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए कहा जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि आप ओपीडी जाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर आपको समझाएंगे कि गैस्ट्रोस्कोपी करना ज़रूरी है। आपके मन में कुछ सवाल उठेंगे जैसे कि क्या गैस्ट्रोस्कोपी करने में आपको तकलीफ होगी, तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि क्या आपको एनेस्थीजिया दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। कुछ सेंटर्स में एनेस्थीजिया सबको दिया जाता है, कुछ सेंटर्स में एनेस्थीजिया सिर्फ पेशेंट की रिक्वेस्ट पे दिया जाता है एंड कुछ सेंटर्स में फैसिलिटी नहीं होती है तो एनेस्थीजिया नहीं भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना एनेस्थीजिया के करेंगे गैस्ट्रोस्कोपी तो आपको कोई बहुत तकलीफ होगी, कोई जानलेवा तकलीफ होगी आपको, आप कर ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेंटर्स पे बिना एनेस्थीजिया के भी गैस्ट्रोस्कोपी करी जाती है, बहुत समय से होती आ रही है एंड उससे आपको डिसकम्फर्ट होता है बेशक, बट बेरेबल डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो उस डिस्कम्फर्ट को बेर कर पाते हैं। जनरली एनेस्थीजिया जो लोकल एनेस्थीजिया होता है वो एक स्प्रे द्वारा दिया जाता है, आपके गले में स्प्रे किया जाता है जिससे कि जो एंट्री का पार्ट है वो सुन हो जाता है। जो एडवांस सेंटर्स है वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल होता है तो वो आपको पूरी भूल या सेडेशन दे सकता है जिससे कि आप सो जाते हैं पार्शली या पूरी तरह नींद में रहते हैं और आपकी गैस्ट्रोस्कोपी हो जाती है, आपको ज़रा भी पता नहीं चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी टॉलरेंस कितनी है पेन को लेके, आपकी एज क्या है एंड क्यों है गैस्ट्रोस्कोपी करी जा रही है। कॉस्ट की बात चली ही है तो मैं ये बता दूं कि जनरल जो कॉस्ट एटलीस्ट मेरी नॉलेज में है वो ये है कि अपर गैस्ट्रोस्कोपी, अपर जीएस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी एंडोस्कोपी जो भी आप यहाँ पे नाम उसका लेते हो, का कॉस्ट अराउंड 5000 रुपीज़ से लेके 10000 रुपीज़ के बीच में हो सकता है। मेरा फिगर कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, एरिया टू एरिया, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, फैसिलिटी टू फैसिलिटी ये चेंज हो सकता है, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ जो कि मेरी लिमिटेड नॉलेज में एक जो मैंने सुना है देखा है वो आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने पेन डिस्कस कर लिया, कॉस्ट डिस्कस कर लिया, इंडिकेशंस डिस्कस कर लिए कि क्यों और कब करना चाहिए। जब आपका गैस्ट्रोस्कोपी का दिन आएगा उस दिन आपको कौन कौन सी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको खाली पेट पहुँचना है। कितना खाली पेट? 6 घंटे आपके पेट में पानी के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा, ना प्रसाद, ना सुबह की चाय, ना नाश्ता, ना फल फ्रूट, कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप पैसे खर्च करें और मैं गैस्ट्रोस्कोपी द्वारा अंदर कैमरा डाल के आपके पेट में आपका सुबह का नाश्ता देखूं, उसमें किसी को मज़ा नहीं आता है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है और आप अननेसेसरी अपने शरीर को रिस्क में डालते हैं। तो सबसे पहले आप खाली पेट पहुँचेंगे। आप जनरली सेम डे पे जाके अपनी गैस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं। प्रोसीजर आपका दोपहर में 12 बजे, आप सुबह 6 बजे पहुँच जाइए, सुबह 10 बजे पहुँच जाइए, 8 बजे पहुँच जाइए, डिपेंडिंग आपके इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी आप करा रहे हैं वहाँ पे कैसा सिस्टम, कैसी फैसिलिटी अवेलेबल है। गैस्ट्रोस्कोपी होने के बाद जनरली आपको 1 से 2 घंटे, अगर सब कुछ नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है, डायग्नोस्टिक स्कोपी ही थी, तो आपको 1 से 2 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है।
आपके वाइटल्स मॉनिटर किए जाएंगे, पल्स, बीपी, ब्लड प्रेशर, आपको बार बार पूछा जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है। जनरली 1 से 2 घंटे के बाद में आपको नॉर्मल फील होने लगेगा। अगर कोई एनेस्थीसिया दिया था तो उसका भी असर काफ़ी कम हो जाएगा। हालांकि जिनको एनेस्थीसिया दिया गया है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो 24 घंटे में ड्राइविंग वगैरह करें, बिकॉज उसमें उनको थोड़ा भूल का असर रहे तो चक्कर वगैरह आ सकता है। आपको 1 से 2 घंटे के बाद सेम डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, सिंपल डायग्नोस्टिक गैस्ट्रोस्कोपी में। थेराप्यूटिक में डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल अलग भी हो सकती है, बट जहाँ तक डायग्नोस्टिक आती है, आपको 1 से 1 दिन के अंदर शाम तक आप घर अपने चले जाओगे। घर पे आप 24 घंटे रेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक खाने पीने की बात आती है, आप लिक्विड से शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। गर्म ठंडे से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर इज़ गुड इनफ। आप नॉर्मल पानी, नॉर्मल जूस, दूध दही से शुरू कर सकते हैं, जो भी आप टॉलरेट कर पाएँ वो। जब भी गैस्ट्रोस्कोपी करी जाती है तो एक ट्यूब होता है, वो गले के थ्रू आपके स्टमक तक पहुंचाया जाता है। ये ट्यूब जहाँ जहाँ टच होता है वहाँ पे माइक्रो ऑब्रेशन या छोटे छोटे इंजरीज हो सकती है माइक्रोस्कोपिक, जिसकी वजह से आपको गले में जलन महसूस हो सकती है। इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉल्ट वाटर गार्गल या बीटाडीन के गार्गल से कुल्ला कर लें। बीटाडीन अलग से मार्केट में मिलता है कुल्ला करने के लिए, यू कैन परचेज दैट, आप वो ले सकते हैं और आप कुल्ला कर सकते हैं। जनरली ये तकलीफ 4 से 6 घंटे में, 1 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। आपको पेट फूला फूला लग सकता है, ब्लोटिंग महसूस हो सकती है, बट अगेन ये भी तकलीफ 24 से 48 घंटों में चली जानी चाहिए, बिकॉज गैस्ट्रोस्कोपी करते समय पेट में हवा डाली जाती है, उसके कारण ये हो सकता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि किसी ने कमेंट्स में पूछा था, वो ये था कि क्या गैस्ट्रोस्कोप और कोलोनोस्कोप के समय में सेम ही ट्यूब यूज़ किया जाता है। तो द आंसर इज़ नहीं। जो कोलोनोस्कोप का ट्यूब है वो एकदम ही अलग किस्म का ट्यूब होता है, बड़ा होता है, उसके फीचर्स अलग होते हैं, उसकी पूरी स्ट्रक्चर अलग होती है। जो गैस्ट्रोस्कोप होता है वो ट्यूब छोटा सा होता है रिलेटिवली, एंड उसके फीचर्स अलग होते हैं, फैसिलिटी उसमें अलग होती है। तो ये दोनों ही ट्यूब अलग होते हैं, एंड जो भी ट्यूब यूज़ होता है, चाहे वो कोलोनोस्कोप हो या गैस्ट्रोस्कोप हो, एक पेशेंट का यूज़ किया हुआ ट्यूब दूसरे पेशेंट पे जाने के पहले उसको स्टेराइल बनाया जाता है। उसकी पूरी प्रोटोकॉल होती है जिससे कि उसको साफ किया जाता है अलग अलग केमिकल्स द्वारा, जिससे कि छोटे से छोटा बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, स्पोर भी जो है वो ना रहे उसमें, वो एकदम फ्रेश स्टेराइल तरीके से क्लीन हो नेक्स्ट पेशेंट के लिए यूज़ होने के पहले। तो आई होप इससे गैस्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों, आपकी थोड़ी तकलीफ दूर हो गई हो। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो स्कोपी करवाने जा रहे हैं तो आपकी थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो गया हो। किसी और की मदद हो रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।